ये मतदान पत्र के द्वारा जो उनके आए हैं तो मैं किसी बात हमने सजेस्ट आई हूँ हमारी फैमिली ग्रुप और हमारी हमारी उपाध्यक्षा बिमला परिरूपी जमुआ से आई है, नए चेहरा है हमारी चमोली से सदस्य आई है। तो हमारी जो कार्यकारिणी बनी है हमारे पूरे प्रदेश कार्यकारिणी बनी और आज ही हमने यहाँ पे केंद्रीय कमेटी का भी गठन किया है जिसमें हमारी प्रभारी के रूप में बिल्कुल चुनौतियाँ हैं और रही भी है और रहेंगी भी अभी भी है, लेकिन हम अभी जो आज संगठन से हमारा जो कार्यक्रम हुआ उसके साथ साथ हमें भी सरकार पे हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी हमारे पास वो लड़कियाँ दूर दूर चाहेंगे कुछ कागज हमारे पास नहीं रखे, तो मैं चाहती हूँ उन समस्या को लेकर मैं तुरंत ही सरकार से मिलूँ क्योंकि मैंने काफी बार टाइम ले लिया लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया और सरकार से रखने वाली है। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, तो सरकार एक बार मान ले तो बड़ा है कि सरकार ने 18 समय किया है, लेकिन फिर भी हम उससे खुश नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जैसे मानदेय कटौती की बात है, मानदेय कटौती को लेकर हमने सरकार से बार बार बात की थी। सरकार ने बड़े बड़े अखबारों में आया कि मानदेय का किया गया, लेकिन जब विभाग में चाहते हैं कि मानदेय कटौती को लेकर तो विभाग हमारे कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा नहीं है, ये हम लोगों ने विभाग ने इसको रखा हुआ है। मैं विभाग से पूछना चाहती हूँ कि जब मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की तो आपने इसे ध्वस्त क्यों ये घोषणा क्यों अखबार में छपा। फिर दूसरी जब हम अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी जी बोलते हैं कि ये जो मानदेय खड़ा हुआ है आपको तब मिलेगा जब आपकी छुट्टियाँ कन्वर्ट होगी, और ऐसी छुट्टियाँ हमारे कहीं के तो हमें मानदेय वाले बड़े छुट्टियाँ ही नहीं है। हम 12 सचिव आपसे मिल गए हैं, निदेशक सबसे मिल गए हैं, लेकिन समस्या मेरे सरकार आ गए हैं और बहुत जल्दी कमेटी को लेकर सरकार से मिलने वाली हूँ। अगर सरकार ने हमारा निदान कर दिया तो हमारा मान लेकर सरकार हमारे जिला अधिकारी बोलते हैं कि आपके 20 दिन की छुट्टियाँ इस साल में कटेंगी फिर जाकर आपको छुट्टियाँ मिलेंगी। हम महिलाएं हमें साल में छुट्टियाँ भी चाहिए होती हैं कि अगर 20 छुट्टियाँ हमारे यहाँ काट दी जाएंगी तो हमें आगे हम किस तरह अपना काम को अपने परिवार को चलाएंगे, इसलिए हमारी समस्याएं बहुत बड़ी है। देखिए हमारा जो विभागीय ढांचा है उसमें बोला गया कि हम लोग चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो कर्मचारी जो हमारे सारे आंगनबाड़ी कर्मचारी अपने बूथ पर जाते हैं, बीएलओ हैं, बूथ का काम करते हैं, तो हम लोग चुनाव के जो बात करें वो अगर चुनाव में वो जाना चाहे तो जा सकती है क्योंकि हमारा सबका समर्थन बहन के साथ होगा। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि हमारी बहनों का चुनाव में लड़ना चाहती है क्योंकि जिस तरह बोलते हैं भाई महिलाओं को आगे आना चाहिए तो हमारी बहनों को भी आगे आना चाहिए, अगर चुनाव लड़ते तो हमारा पूरा संगठन साथ देगा चाहे किसी भी क्षेत्र से।